श्रीधर जी, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार के होते हुए भी बहुजन समाज का जो मंदिर है रविदासी समाज का, वो तोड़ दिया गया? इसमें दिल्ली सरकार रविदास समाज के सभी साथियों के साथ है, पूरी तरह से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सारी केंद्र सरकार की मर्जी से टूटा है। और केंद्र सरकार नहीं चाहती रविदास समाज के लोगों का कोई उत्थान हो सके, और कह रहे हैं कि भी कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर तो ये हैं, जो DDA उनके सामने सही पक्ष रखती तो कोर्ट बिल्कुल सही निर्णय देता। DDA का जन्म भी नहीं हुआ था, ये कम से कम 400 साल पुराना मंदिर इसको बताते हैं। और कितने रोड रविदास मार्ग के नाम से रखे हुए हैं, रविदास मंदिर के नाम से रखे हुए हैं, जब तो DDA का जन्म भी नहीं हुआ था। अगर DDA या केंद्र सरकार वहाँ पर अपना पक्ष मजबूती से ठीक तरह से रखती तो ये मंदिर नहीं तोड़ा जाता। तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कल हमारी विधानसभा में भी ये चर्चा रही इसके ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हमारी को आप जगह दे हो तो हम इस पर अपने खर्चे से बहुत अच्छा भव्य रविदास मंदिर वहाँ बना देंगे। वहाँ पे ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ना रेलवे की कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है, ना कोई पार्क निर्माण की बात है, ना कोई सड़क निकल रही है, उसके बावजूद भी सुनसान वीरान और रविदासी को शांत प्रिय जगह को मंदिर को तोड़ दिया गया, जो एक प्राचीन स्थल बताया जाता है। ये मेरा ही कहना नहीं, सभी आप लोग सभी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार भाजपा सरकार है वो रविदास लोगों से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये जाति कुछ ऊपर भी उठे, तो इसलिए इनका उत्थान तो चाहते ही नहीं है, इसलिए उनको तोड़ा गया, उनको साथ जरा भी नहीं देते हैं वो। दिल्ली सरकार इस मंदिर को बनाने के लिए क्या कर रही है? दिल्ली सरकार बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, केवल उनको सरकार जगह दे दे, केंद्र सरकार सरकार उपलब्ध करा दे, अपने पैसे से दिल्ली सरकार उसको बना देगी। हम आपको बता दें कि जो अभी रविदासी समाज का मंदिर का लाखों की तादाद के अंदर रामलीला मैदान में आए थे, वहाँ पे भी दिल्ली सरकार के बहुत सारे मंत्री थे, सभी नेताओं ने ये कहा कि हम आर्थिक तरीके से सब तरीके से रविदासी समाज के साथ हैं, अगर सेंटर गवर्नमेंट इस जमीन को अलॉट कर देती है। जबकि यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि वहाँ के जो समुदाय के लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि पैसा भी हम लोग देंगे, सिर्फ सरकार बताए तो सही, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर तो वहीं बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। रविदास जितने भी लोग भागे हैं, ये मंदिर वहीं पर बनाकर रहेंगे, और दिल्ली सरकार उनके साथ बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से बात करी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।